हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। हर हर महादेव। सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम गए थे सोमवार में बागपत जिले में। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है पूरा महादेव, आप सभी ने सुना भी होगा। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख से अधिक कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। बहुत ही फेमस मंदिर है, अपनी इसकी मान्यता है। तो अब यहाँ मंदिर के अंदर ही पार्किंग का सिस्टम हो चुका है। हम आ चुके हैं अंदर और हमने यहाँ पे साइड में अपनी गाड़ी पार्क भी कर दी है। ये पूरा महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं। मेले की तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब बस कांवड़ियाँ आने शुरू ही हो जाएंगे। फिर जब कांवड़ आनी स्टार्ट हो जाती है तो आप यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत ही भीड़ हो जाती है और पुलिस यहाँ पे फिर जाने भी नहीं देती। तो हमने यहाँ बस प्रसाद देखा और प्रसाद लिया। भाई और मम्मी साथ में थे और बस भाई ने प्रसाद ले लिया है, तो वो बस हम लोग चल दिए हैं लेके। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाइक से भी काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ अंदर बाइक और गाड़ी की दोनों की पार्किंग ही अंदर है। तो अब हम मंदिर के जो मेन जगह है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो बरगद का पेड़ है, ये इतना बड़ा है कि यहाँ से मतलब यहाँ पे जितना भी एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत छाया रहती है और यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो अब क्या है, पहले तो पूरा महादेव में हम आगे की तरफ से जाते थे और अब इन्होंने पार्किंग की तरफ से ही पीछे से ये सीढ़ियाँ बना दी हैं, ताकि आप मंदिर में यहीं से प्रवेश कर सकें। तो लाइन लंबी थी, बहुत देर तक हम भी हर हर महादेव करते रहे और अपने नंबर या बारी आने का इंतज़ार करते रहे। जैसे जैसे भी थे, फिर देखा कि अभी तक शिवलिंग में पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लोग बिल्कुल नंबर नहीं आने देंगे। जैसे तैसे करके हमने दर्शन कर लिए और हम दर्शन करके अंदर से आ चुके हैं बाहर, क्योंकि उस स्थिति में मोबाइल निकालना बहुत असंभव ही था और अंदर ऐसी फोटोग्राफी कर भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हो रखा था, साफ सफाई का विशेष ध्यान इस बार रखा गया है। फिर बस मैं और मम्मी अंदर से दोबारा से आके यहाँ नंदी बाबा हैं, हमने उनके प्रसाद चढ़ाया और बस हमने अपनी जो भी इच्छा थी नंदी बाबा के आगे प्रकट करी। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो लेकिन यहाँ फिर भी आसानी से नंबर आ गया था। फिर मैंने गौरव को रिकॉर्डिंग करने पे लगाया कि भाई एक दो क्लिप्स तुम भी रिकॉर्ड कर दो। तो यहाँ पे तब भी भीड़ काफ़ी थी, हमारा तो खैर नंबर पहले ही आ चुका था। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे, फिर बस मैं और मम्मी और गौरव बस हमने थोड़ा पंडित जी को दान दिया और बस यहाँ से ये एक दान देने के बाद ये हमें एक स्लिप मिलती है और हम उसको देने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ चल दिए। और यहाँ पर पूरे दिन लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सोमवार को विशेष रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और सावन के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। रूटीन में भी यहाँ मंडे और संडे में तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है और अब तो इसको एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल घोषित किया गया है और आगे भी यहाँ पे जो टूरिज्म है यूपी गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे काम करेगा। मेला पूरा बड़ा लगा हुआ है और बस हम मेला घूम के अब वापस चल दिए हैं। और यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि भोले बाबा की ऐसी कृपा थी कि यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा था और बस तैयारियाँ कांवड़ियों के लिए लगभग पूरी हो चुकी हैं। साइड में आप पहले तो वेदर देखिए, वेदर कितना अच्छा हो रहा है, और साइड में ये बैरिगेटिंग या ये जो ये लोग इन्होंने ये पिलर्स लगा दिए हैं जिससे कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो। तो गाइस, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।